पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया का बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान वो करने वाले, इसलिए खतरनाक स्थिति है देश में और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुहावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया, इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो लड़के नौजवान लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ जोड़ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था वो विभाग था डिफेंस, सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था घूम घूम के हर जिला में, दौड़ होता था और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान, 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था, उन सारी नियुक्ति पत्र को उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ? आपने भावना भड़का के इस देश की जनता को बरगला कर कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को आपने भड़काने का काम किया और उनकी भावना को भड़का के आपने वोट लिया, शासन में आए और उसके बाद भूल गए। इन्होंने कहा कि 15 लाख सब काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, इनके शासन काल में रहते रहते विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया इस देश का काला धन लेके विदेश चला गया, 1 रुपया काला धन तो ला नहीं पाए और बाकी 3 लोगों को काला धन लेके भेज दिया इन्होंने, भावना भड़का के वोट लेने का काम किया इन्होंने। अब नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं कि रोजगार देंगे। 2019 में पुलवामा की एक घटना हुई थी, पूरे देश बहुत ही पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में, पूरे देश को तकलीफ था, हर घर में हर गांव में हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में, और इनके बनाए हुए राज्यपाल, इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि ये सेना अधी सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए, 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा सड़क की बिना जांच किए हुए
सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई, और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जवान बंद रखिए। हमारे बनाए हुए गवर्नर नहीं थे, कोई नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, उनको राज्यपाल आपने बनाया था। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर तथ्य नहीं है उसमें, तो आपको अगर साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर खंडन नहीं कर सकते हैं तो जो भूल आपने किया है, अपने 40 आपके भूल के कारण जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए इस देश की जनता से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए। तो 2014 का चुनाव तो 2 करोड़ में निकल गया, 2019 का चुनाव पुलवामा में निकल गया, अब 2023 में क्या करेंगे जुमला? अब नया जुमला कुछ निकालेंगे, इसलिए कि 2014 में जब इन्होंने वादा किया और चुनाव के बाद जब एक एबीपी न्यूज में के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी को उन्होंने कहा कि भाई ये वादा आप लोगों ने किया था, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सब चुनाव के टाइम में जुमला बोला जाता है, चुनाव के टाइम में ये सब जुमला कहा जाता है वोट लेने के लिए। पारिवारिक देश, देश की जनता, इस देश की जनता को जो आप वादा कर रहे हैं उसको जुमला कर रहे हैं, और आप जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और लोकतंत्र के रक्षक बने हुए। आप 2023 में क्या बोल रहे हैं? 2014 तो निकल गया जुमला में, पहला जुमला में 2 करोड़ और काला धन लाएंगे और हर खाता में पहुंचाएंगे। 2019 में पुलवामा निकल गया, 2023 में अभी पार्लियामेंट में संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था तो बड़ा गला फाड़ के उन्होंने कहा कि अबरी अगर हम फिर आ गए तो देश का तीसरा आर्थिक संपन्न देश, ये विश्व का तीसरा देश बनेगा। अरे भैया कहां से बनेगा? एक डॉलर का कीमत 82 रुपए 83 रुपए होते जा रहा है, आपका देश आर्थिक रूप से कैसे संपन्न करोगे, इसका रोड मैप इस देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे? जुमलेबाजी करते, अभी लाल किले पर भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस 3 की से लड़ना है। भ्रष्टाचार पर तो हमने भाषण सुना था आपका, आप जब अमेरिका गए थे अभी 1.5 महीना पहले, और जब अमेरिका से लौट के आए तो भोपाल में आपने भाषण दिया और आपने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता हैं 70,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे ऐसे करके हाथ करके भाषण दे रहे थे, 70,000 करोड़ का जमीन घोटाला, तो सिंचाई घोटाला, क्या क्या घोटाला, कई तरह के घोटाले हैं, और 36 घंटा के अंदर सभी घोटाले वाजों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल में और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना देने का हमने आपने काम किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, कर्नाटक के चुनाव में हर गली में, हर घर में, हर चौक पर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, 40% वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख प्रचार करके आप थक गए, बजरंगबली जी का भी आपने नाम लिया, जय बजरंगबली बोलो और कमल छाप पर भोट बटन दबाओ। बजरंगबली जी ने भी कहा कि भाई तेरा पाप से तो तुम्हारा घड़ा भर गया है, हमको बजरंगबली को काला बीच में ला रहे हो भैया, हमारा जान छोड़िए, अपना पाप से समटिए। अच्छा हार गए चुनाव, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं,
आप लोग को आश्चर्य होगा यह जान के कि महाराष्ट्र में वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको इसी सरकार ने, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी वहां और एनसीपी के उन नेताओं को इन्होंने ईडी ने जेल में बंद किया था, और जेल में बंद किया था वैसे लोगों को फिर से अपनी पार्टी में लाके और मंत्री बना देने का काम किया, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं।